मिनोचा कॉलोनी निवासी संतोष सिंघानिया का सेक्टर बी 18, 19, 32 और 33 पर शिवांगी ऑयल मिल स्थित है, जहां डमरू ब्रांड का राइस ब्रांड खाद्य तेल तैयार किया जाता है। दोपहर 1 बजे स्टोर से आग की शुरुआत हुई। उस वक्त कर्मचारी खाना खा रहे थे, किसी को कुछ समझ आ पाता इससे पहले ही आग ने विशाल रूप अख्तियार कर लिया। तुरंत इसकी सूचना दमकल को दी गई। पानी के सहारे तेल को बुझाना हमेशा से ही मुश्किल काम रहा है, इसलिए दमकल कर्मियों को भी आग बुझाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। इस राइस ब्रांड ऑयल कंपनी में करीब 250 कर्मचारी कार्यरत हैं। किस्मत से आगजनी के वक्त कोई भी कर्मचारी गोदाम में नहीं था, इस कारण से कोई हताहत नहीं हुआ। शुरुआती दौर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पता चला है कि जिस कमरे में आग लगी है वहां वेल्डिंग का काम चल रहा है। हालांकि आगजनी के दौरान मजदूर काम बंद कर खाना खा रहे थे। वहीं नगर निगम की 2 दमकल आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। के आग के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन आग काफ़ी विवश और भीषण थी, जिसे स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन और नगर दमकल विभाग द्वारा काबू पाया गया है। कितनी हताहत हुई है अभी तक? किसी प्रकार की जान हानि की नुकसान हुआ लापरवाही बताया जा रहा अभी तक इसकी हम विवेचना नहीं कर रहे कि आगे लापरवाही किसकी, एक जाँच का विषय है। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।